नमस्कार बच्चों आज बिल्कुल हम एक नए सेगमेंट के साथ क्योंकि कैलकुलस जो है वो अच्छा खासा लंबा चैप्टर होता है लंबा सेगमेंट होता है उसके बाद कॉनिक सेक्शन जी हाँ कोनिक सेक्शन जो है वो कोऑर्डिनेट का वो सेगमेंट है जिसमें अच्छे क्वेश्चंस आते रहे हैं जी हाँ कई बार जेई ने इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हैं हालाँकि अब जिस वजह से पिछले कुछ सालों से चल रहा है उसके हिसाब से कोनिक सेक्शन काफ़ी डाइल्यूट कर दिया गया है पहले बहुत अच्छे क्वेश्चन आया करते थे लेकिन फिर भी अभी भी बीच बीच में बहुत अच्छा यूज इसका हो रहा है जैसे इस साल भी एक दो क्वेश्चन की बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ कॉनिक सेक्शन का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हमें देखने को मिला था जिसको यदि आपने कॉनिक सेक्शन के कॉन्सेप्ट से डील किया हो तो बहुत आसानी से हो जाता है लेकिन यदि उसको आप सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट से लेके जाते हैं तो बहुत उलझन वाला क्वेश्चन था तो ऐसे क्वेश्चन हमें बीच बीच में देखने को मिल रहे हैं कोनिक में और थोड़ा सा यहां एक चीज हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि पॉइंट स्ट्रेट लाइन सर्कल ये कोऑर्डिनेट का जो सेगमेंट है इसका फ्लेवर और कॉनिक का फ्लेवर बिल्कुल अलग है जो क्वेश्चन की प्रोफाइल होगी जो क्वेश्चन का टेस्ट होगा वो दोनों जगह बिल्कुल अलग होगा आपने सर्कल के अंदर किस तरह के क्वेश्चन किए थे नॉर्मली मुझे हाँ याद है आपने इसी तरह के क्वेश्चन किए होंगे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच सेटिस्फाइज दिस सेटिस्फाइज दिस यानी सर्कल की इक्वेशन निकालने वाली क्वेश्चन जिसमें सर्कल हाँ, ये सेटिस्फाई करता है ये सेटिस्फाई करता है ये सेटिस्फाई करता है नॉर्मली आप सबको पता है तीन कंडीशन दे दी जाए जो सर्कल सेटिस्फाई करता है तो आप सर्कल की इक्वेशन को यूनिकली निकाल सकते हो क्योंकि जनरल फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो रिज्यूम करोगे तीन अननोन है तीन कंडीशन दे दी जाएंगी आप सर्कल की इक्वेशन निकाल लेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन वहां पर ऐसे ही थे अब कोनिक में बात करें तो आपको पैराबोला, पैराबोलाइपोबोला की इक्वेशन निकालने वाले क्वेश्चन बहुत रेयरली मिलेंगे क्वेश्चन के के मिलेंगे। यहां पर क्वेश्चन अलग तरह के मिलेंगे क्या आपने सर्कल में हाँ कोई ऐसा क्वेश्चन किया किस द कॉर्ड ऐसा नहीं किया ना कहीं प्रूव ये तो पहले से पता था सर्कल के सारे ज्योमेट्रिकल रिजल्ट हमें पहले से पता थे बताते नहीं बता दें कि भाई कॉड से यदि आप किसी एक आर्क पर चाहे वो मेजर आर्क है चाहे माइनर आर्क है उस पर कहीं पर किसी भी पॉइंट पे एंगल बनाओ एंगल हमेशा सेम बनेगा और वही एंगल यदि आप मेजर आर्क पे बना रहे हो तो सेंटर पे उसका डबल बनेगा ये सारी हाँ जो प्रॉपर्टीज़ है ये काफ़ी समय से आप जो है याद किए हुए हैं यूज करते आ रहे हैं तो इनमें कहीं कोई क्या कहते हैं प्रॉब्लम नहीं थी ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद थी और क्वेश्चन सर्कल में जो अच्छे क्वेश्चन थे उनमें इन प्रॉपर्टीज का आपने डायरेक्टली यूज किया था यहां पर कोनिक के अंदर एक्चुअली ये सब आपके लिए नया है तो यहां जो आपको क्वेश्चन मैक्सिमम केस में मिलेंगे वो क्वेश्चन मिलेंगे प्रूव दिस प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला प्रूव दिस प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला प्रूव दिस प्रॉपर्टी ऑफ एलिप्स हाँ इलिप्स हाइपरबोला पैराबोला जो हम पढ़ने वाले हैं उनकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज प्रूव करने वाले क्वेश्चंस ज्यादा मिलेंगे वहाँ आपको हमेशा क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन कैसा मिलेगा? Proof this. Proof this. ऐसा होता है ये प्रूव करो और उसी को क्या करना पड़ेगा सबसे बड़ी बात यह है कि यहां परेशानी का सबब यह है कि जो आपने एक ज्योमेट्रिकल नेचर प्रूव कर दी आगे के क्वेश्चन में वो वापस आएगी अब इसको वापस प्रूव नहीं करना है उसको हमें याद रखना है जब यहां आपके काम की चीजें हैं जैसे आप मैथ्स में मानते ना कि जहां याद करने वाली चीज नहीं आती है मैथ्स में सब सीखने वाली आती हैं नहीं यहाँ याद करने वाली बहुत सारी है आप जितना याद करोगे उतना कम है और जितना याद करोगे उतने आगे के क्वेश्चन आपके आसान होते जाएंगे बस यहाँ याद करना इतना आसान नहीं है सर हाँ सर्कल की सारी ज्योमेट्रिकल नेचर हमें क्यों याद है सालों से पढ़ रहे हैं नया नहीं है हमारे लिए लेकिन अभी क्या होगा पंद्रह दिन में कोनिक खत्म हो जाएगा मैक्सिमम मैक्सिमम अब पंद्रह दिन में कॉनिक खत्म हो यानी पंद्रह क्लासेस सोलह क्लासेस में कॉनिक जो है वो खत्म हो जाएगा तो अब ऐसा सोचो कि पंद्रह सोलह क्लासेस के अंदर हमें प्रूव भी करना है याद भी करना है और उसको अप्लाई भी करना है यूज भी करना है तो यहाँ और पैराबोला में तो यहाँ पर बहुत जबरदस्त है इलेक्स आइपरबोला में फिर भी इतनी परेशानी नहीं आएगी पैराबोला में प्रॉपर्टीज याद करके आगे के क्वेश्चन में उसको यूज़ करना ये सबसे बड़ी स्मार्टनेस है जो जितना ज़्यादा प्रॉपर्टीज को यूज करेगा उसका क्वेश्चन उतना ही छोटा हो जाएगा और जो हर प्रॉपर्टी को क्वेश्चन में बार बार प्रूव करने की कोशिश करेगा उसका क्वेश्चन बहुत खतरनाक लेंदी हो जाएगा तो ये ध्यान रखें हम जो हाँ पढ़ने जा रहे हैं उसका फ्लेवर टेस्ट बिल्कुल अलग है जो पहले कॉर्डिनेट आपने किया है पॉइंट स्ट्रेट लाइन सर्कल तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर हमें ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत दूसरी चीज स्केच बनाए बिना कुछ भी ना करें डिस्टेंस फार्मूला भी लगाना हो कॉलिनेट में मैंने आपको बताया है कि यदि आपको डिस्टेंस फार्मूला भी लगाना है तो आप दो पॉइंट मार्क करके स्केच लाइन बनाएं और डिस्टेंस फार्मूला लगाएं ये हाँ ये जो आपका प्रैक्टिस होगा ये बहुत सारे क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा एक्चुअली स्ट्रेट लाइन में शायद जो ज्योमेट्री से यानी स्केच से बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ लेकिन सर्कल में काफी हुआ और सर्कल में काफी हुआ और अब पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला में तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप पढ़ेंगे आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या करना है लेकिन जैसे स्केच बनाएंगे वैसे आपको चीजें दिखने लगेंगी और जब दिखने लगता है तो मज़ा अलग ही आता है तो ये ध्यान रखना कि स्केच बनाए बिना यहाँ शुरू नहीं करना यहाँ कई बार क्वेश्चन बार लेंदी सा होगा स्केच नहीं बनाओगे तो उसके रेडिंग लगाते ले जाओ हाँ लगा लो पाँच बार दस बार कुछ समझ में नहीं आएगा कि वो क्या करवाना चाह रहा है तो ध्यान रखें इस पूरे सेगमेंट को पढ़ने के तरीके को आपको बदलना पड़ेगा और जैसा मैंने कहा था कि यदि अब तक आपका होमवर्क पेंडिंग है तो आगे तो आपको समय नहीं मिलने वाला है वो निश्चित है अब समय नहीं मिलेगा जैसे मैंने कहा कि लगभग 15 से 16 क्लासेस मैक्सिमम बोल रहे हैं जहां पर हमारा एक कोनिक वाइंड अप हो जाएगा लगभग 10 से 12 क्लासेस में हमारा वेक्टर थ्री डी वाइंड अप हो जाएगा उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोबेबिलिटी बस्सा है जो वैसे भी बहुत ज्यादा पकड़ में नहीं होता है कितना भी पढ़ा दिया जाए कितना कम पढ़ाएं कितना ज्यादा पढ़ाएं उसके क्वेश्चन जेई में जो आते हैं उनके बनने की संभावना वैसे ही काफी कम होती है तो ऐसे केस में और वो तो जैसे ही हम हाँ, उसमें आएंगे पैराबोला कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ आएंगे वैसे ही जो है कहीं ना कहीं इस बात की संभावना है कि एन या बोर्ड वाले जो है कुछ ना कुछ आपको बता देंगे कि कब आपके एग्जाम है तो वहां वैसे ही टेंशन शुरू हो जाएगी तो आप नहीं पढ़ पाएंगे तो ध्यान रखें अब जो हम कर रहे हैं वो बहुत तेजी से खत्म होगा उसका तरीका बिल्कुल अलग है पढ़ने का हम शुरू करते हैं बातें बहुत हो गई क्या ठीक है तो हम पढ़ने जाने बेटा जो अगला सेगमेंट है दैट इज कॉनिक सेक्शन आखिर कॉनिक सेक्शन है क्या सबसे पहली बात तो ये कॉनिक सेक्शन आखिर है क्या पता है आप लोगों को कौनिक सेक्शन क्या है हुँ? कोनिक सेक्शन की यदि हम ज्योमेट्रिकली बात करें तो एक कोन को एक प्लेन से अलग अलग एंगल पर काटने से जो कोन का क्रॉस सेक्शन दिखेगा वो क्रॉस सेक्शन जो है वो कोनिक होगा उसको पहले हम यहां समझते हैं देखिए एक स्केच में बनाता हूं हालांकि इसकी कोई जरूरत सच नहीं है लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हमें पता होना चाहिए एक डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन हम लेते हैं डबल लेफ्ट का मतलब एक के ऊपर एक लगा हुआ कोन ये अब थोड़ा सा यहां आपको फील करना पड़ेगा क्यों क्योंकि ये जो कोन है ये थ्री डी ज्योमेट्री है ठीक है प्लेन ज्योमेट्री नहीं है तो आपको फील करना पड़ेगा कि दो आइसक्रीम कोन जो है वो आपने एक के ऊपर एक पकड़े हुए हैं और एक अब आपके पास चाकू है प्लेन है जिससे कि आप इसको कट करने वाले हैं अब आप सोचो ये कोन जो है यहां पर हाँ इन दोनों कोन का यदि हम ये मान लें कि ये है एक्सेस ऑफ सिमेट्री वो लाइन जिसके अबाउट यह पूरा का पूरा कोन जो है क्या है सिमेट्रिकल है अब सोचो आप यदि मैं यहां पर एक प्लेन से कोन को कट करूं और ऐसे कट कर इसी तरह से मैं प्लेन से कोन को कट करूं लेकिन इस बार मेरा प्लेन एक्सेस के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो ये दो सिचुएशन मैंने की भाई वो चाकू जो है उसको फील करना पड़ेगा कि आप इस हां कोन को एक बार तो स्ट्रेट एक्जेक्टली ऐसे काट ठीक है कौन बिल्कुल सीधा रखा हुआ और आपने ऐसे कट किया और एक बार थोड़ा सा इंक्लाइंड वे में कट कर रहे हैं यहां पर ये प्लेन के एक्जैक्टली exactly क्या है परपेंडिकुलर फील करो कि आपको क्रॉस सेक्शन कैसा दिखेगा अरे क्रॉस सेक्शन कौन क्या क्रॉस सेक्शन कौन कैसे दिख सकता है क्रॉस सेक्शन तो प्लेन ज्योमेट्री होगी हाँ अब आप सोचो कौन को यदि आपने कट किया है और आप ऐसे झांक रहे हैं कि उसका क्रॉस सेक्शन कैसे दिख रहा है तो जब आप बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे कट कर रहे हैं तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि यहां एक्चुअली हमें एक सर्कल की फील आएगी एक सर्कल दिखेगा दिखेगा नहीं दिखेगा अब देखो क्रॉस सेक्शन एग्जैक्टली ऐसा सर्कल दिखेगा इस वाले केस में क्या दिखेगा इस वाले केस में देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये फील आनी चाहिए कि हाँ ये ओवल शेप यानी इलिप्टिकल शेप नहीं दिखेगी क्या देखो आप क्रॉस सेक्शन थोड़ा सा खिंचा हुआ सर्कल दिखेगा दिखेगा ना तो ये हो गया एक इलिप्स तो जब आप प्लेन को एक्सिस के परपेन्डिकुलर रखते रहत हुए इस कोन को कट कर रहे हैं तो उस केस में हमें जो ज्योमेट्री मिल रही है वो क्या मिल रही है सर्कल ओहो इसका मतलब सर्कल भी कौन था कोनिक था वहां तो कहीं नाम ही नहीं लिया हमने कोनिक का जी हाँ सर्कल भी एक कोनिक ही है तो कोनिक ऐसा नहीं है कि नया है कोनिक के अंदर हम तीन नई चीजें पढ़ने वाले हैं ये भी कोनिक ही था सरकार ये वाला कौन सा दिख रहा है इस वाले हमें हमें दिख रहा है कि यहां आपको इलिप्स मिलने वाला है मिलेगा इलिप्स अब आप सोचो अलग एंगल से हम अलग तरह से अब हाँ इसको कट करते हैं मैंने यहां पर एक बार तो ऐसे कट किया मेरा प्लेन इस बार ऐसे है यानी वो जो चाकू जिससे कि हम कट कर रहे हैं उससे आप कोन को ऐसे कट कर रहे हैं इधर माने या इधर मान माने कि इधर आपने ऐसे कट किया आप जब ऊपर से कोन को ऐसा इंक्लाइंट वे में कट करोगे तो आपको क्या दिखेगा ऊपर से तो खुला हुआ दिखेगा खुला हुआ दिखेगा ऊपर से और नीचे से ये शेप ऐसी नजर आएगी ये यहाँ तो ये खुला हुआ दिख रहा है और यहाँ ये तो ये शेप जो दिखेगी वो कुछ ऐसी दिखेगी हमें कि भाई यहाँ हमें कुछ इस तरह की शेप दिखेगी ये एक्चुअली पूरा का पूरा ऐसे दिखेगा ठीक है थ्री है फील करना पड़ेगा तो यहां पर आपको नजर आएगा कि ये एक पैराबोला है। इस बार जो हमारा क्रॉस सेक्शन है वो क्या होगा पैराबोला अब सोचो कि हम प्लेन को कुछ ऐसे किए दे रहे हैं। मैंने क्या किया बिल्कुल चाकू को इस एक्सिस के पैरेलल रखते हुए ऐसे कट किया ध्यान दिएगा कुछ ऐसे कट किया स्ट्रेट एक्सिस के पैरेलल है चाकू हमेशा जिस प्लेन से आप कट कर रहे हो वो एक्सिस के पैरेलल है ठीक है ऐसा अब सोचो क्या फील आएगा आपको कहीं ना कहीं यदि देखें तो कुछ ऐसा आ रहा होगा ये ऐसे इधर भी ऐसे ही कुछ आ रहा होगा कि भाई ये जो आपको मिलेगा वो कुछ ऐसे मिलेगा ये जो ज्योमेट्री है ये एक्चुअली ऐसी होगी दिस इज है हाइपरबोला बस ध्यान रखना है पैराबोला के लिए आप इनक्लाइंट रखते हुए कट कर रहे हैं और हाइपरबोला के लिए बिल्कुल एक्सिस के पैल रखते हुए कट कर रहे हैं अब एक और पॉसिबिलिटी देखते हैं मैंने ऐसे ही अभी जैसे मैंने इस वाले में क्या किया था सिर्फ एक ही कोन को कट किया इस वाले में पहले रखते हुए दोनों कोन को कट किया अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इस प्लेन को जिससे कि दोनों कोन को कट कर रहा हूं इसको इंक्लाइन किए देता हूं यानी इस बार मैं इंटरसेक्शन कुछ ऐसा करता हूं सोचेगा क्या हो रहा है हमारा चाकू ऐसे कट करते हुए कट करते हुए इन दोनों के वटिक्स से पास हो रहा है अब फील करो कैसा दिखेगा आपको क्रॉस सेक्शन कैसे दिखेगा आपको दोनों कोन को आपने इस तरह से कट किया हमें और उनके दोनों के जो वर्टिक्स एक दूसरे के साथ हाँ मैस्ड हैं उससे पास होते हुए आपने नीचे वाले कोन को भी वैसे ही कट किया तो कैसी क्रॉस सेक्शन आपको नज़र आएगी कुछ फील आ रहा है क्या बनेगा पेयर ऑफ स्टेट लाइन ऐसे कट करती हुई एक लाइन ऐसे कट करती हुई एक लाइन ऐसे कट करती हुई क्या दिखेगा पेयर ऑफ स्टेट लाइन ओहो इसका मतलब एक और कौनिक हम पहले पढ़ चुके हैं तो ये सारे के सारे जो कोन के क्रॉस सेक्शन हैं, जबकि हम इन कोन को एक प्लेन से अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह से कट कर रहे हैं इनमें से सर्कल और स्ट्रेट लाइन हाँ स्ट्रेट लाइन जो है वो अलग कोनिक हम पहले ही पढ़ चुके हैं तीन नए कोनिक यहां पर हैं, जो अब हमें डिस्कस करने हैं एलिप्स हाइपरबोला एंड पैराबोला इसीलिए इनको क्या बोलते हैं कॉनिक सेक्शन बोलते हैं कि क्रॉस सेक्शन है ये के ऐसे जरूरत नहीं है इसकी बस लेकिन मुझे जैसा मैंने कहा कि लगता है कि ये पता होना चाहिए कि आखिर कहां से आया ये तो हो गया कि ज्योमेट्रिकली कहा इनको कॉनिक सेक्शन क्यों बोला गया है कैसे हम यहां पर हम देख सकते हैं फिजिकली अब बात करते हैं इनकी मैथमेटिकल डेफिनेशन की मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करें तो कॉनिक का डेफिनेशन क्या है देखिए कॉनिक का डेफिनेशन क्या है देखो Locus of a point moving in a plane such that such that ratio of its distances. From a fixed point to that of a fixed line remains constant. एक ऐसा पॉइंट जो कि प्लेन में इस तरह से मूव कर रहा है कि उसकी एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशियो हमेशा क्या रहता है कांस्टेंट रहता है ऐसे हाँ लोकस को ऐसे पॉइंट के लोकस को क्या बोलेंगे कॉनिक बोलेंगे अब इसमें कुछ चीजें और हैं जो हमें डायरेक्टली ध्यान रखनी है एक तो क्या ये जो फिक्स पॉइंट है दिस इज नॉन एज फोकस ऑफ कॉनिक ये जो फिक्स लाइन है दिस इज नॉन एज डायरेक्टिक्स लाइन ऑफ कॉनिक डायरेक्टिक्स लाइन ऑफ कॉनिक फिक्स पॉइंट फोकस फिक्स लाइन डायरेक्टिक्स और ये जो कांस्टेंट रेशियो है ट्रिसिटी ऑफ जिसे नॉर्मली हम इस चैप्टर में किस सिंबल से यूज करेंगे स्मॉली e. तो क्या है कि यदि प्लेन में एक पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है कि एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशियो कांस्टेंट है तो फिर वो जो लोकस है वो क्या होगा वो कॉनिक होगा और यहां पर इस फिक्स पॉइंट को बोलेंगे फोकस फिक्स लाइन को बोलेंगे डायरेक्ट्रिक्स और ये जो कॉन्स्टेंट रेशो है दिस इज नॉन एज एस एसेंट्रिसिटी ऑफ कोनिक ठीक है इसका मतलब सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि मान लीजिए ये हमारी फिक्स लाइन है ये फिक्स पॉइंट है तो जो फिक्स पॉइंट है दैट इज फोकस इसको नॉर्मली एफ या एस से लिख रहे होते हैं ठीक है, है? फिर ये है हमारी डायरेक्ट्रिक्स लाइन फिक्स लाइन एक पॉइंट पी इस तरह से आपके प्लेन में मूव कर रहा है कि उसकी फिक्स पॉइंट एस से डिस्टेंस और फिक्स लाइन डायरेक्ट से डिस्टेंस का रेशियो जो है वो कांस्टेंट है यानी यहां पर हमेशा क्या है कि भैया पी एस अपॉन पीएम जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है और ये कांस्टेंट किसके इक्वल है ई e के इक्वल पॉइंट पी प्लेन में ऐसे मूव कर रहा है कि उसकी एक फिक्स पॉइंट जिसे हम फोकस बोलने वाले हैं और एक फिक्स लाइन जिसे हम डायरेक्ट्रिक्स बोलने वाले हैं दोनों से डिस्टेंस का रेशो कांस्टेंट होगा और ये जो कांस्टेंट रेशो है इसे हम क्या बोलेंगे ई सेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स यानी एक हाँ क्या कहते हैं रिजल्ट जो है वो बार बार हमें देखने को मिलने वाला है और वो क्या पी इज इक्वल्स टू ई पी ये किसी भी कोनिक इक्वेशन निकालने का एक हाँ तरीका है रिजल्ट है हमारे पास किसी भी कोनिक की इक्वेशन निकालने का कि पी एस इज टू ईपीएफ अब एक क्वेश्चन देखते हैं फाइंड Equation of a conic Find equation of a conic Whose focus is minus two comma one Direct X line is Three x minus four y plus one is equals to zero and a centricity is root two. उस कोनिक का इक्वेशन निकालें जिसका फोकस माइनस टू कॉमा वन है डायरेक्टेक्स लाइन की इक्वेशन थ्री एक्स माइनस फोर वाई प्लस वन इक्वल्स टू जीरो है और कोनिक का जो सेंट्रिसिटी हमें दिया हुआ है वो रूट टू दिया हुआ है कैसे निकालेंगे क्या करेंगे भाई यही पी एस इज इक्वल टू ईपीएम अब पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर्मूला ये सब तो हमें आता ही है तो ये तो लगा यही लगाना है तो पी एस इज इक्वल टू ईपीएम कैसे निकालोगे कि भैया ये हमारा लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो दी हुई है ये हमें फोकस दिया हुआ है विच इज़ माइनस टू कॉमा वन अब हमें एक ऐसे पॉइंट पी का लोकस निकालना है जिसकी फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट से डिस्टेंस जो है उसका रेशियो कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट क्या है रूट टू है तो ऑब्वियस ही बात है कि हमें लोकस निकालना है तो नॉर्मली लोकस में एच कॉमा के लेते हैं और बाद में हम उसे क्या करते हैं एच को एक्स और के को वाई तो हमें इतना तो अब फील आ ही जाना चाहिए कि हम सीधा एक्स वाई ही ले लें एक ही बात है फिर लास्ट में एच को एक्स और के को वाई रखना है तो इनिशियली हम इसको एक्स कॉमा वाई ले लेते हैं तो बताइए इस पॉइंट की इस पॉइंट से डिस्टेंस बताइए क्या आएगा x प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वन का होल स्क्वायर का स्क्वायर भाई एक्चुअली अब हमारे पास क्या डेफिनेशन चल रही है पी एस इज इक्वल्स टू ई पी एम यही चलेगा ना हमारा डेफिनेशन पी एस बाई पी एम इज इक्वल्स टू ई और वो ई e हमें रूट टू दिया हुआ है ये बहुत फ्रीकेंटली हमें डेफिनेशन यूज करनी है तो ध्यान रख लीजिएगा पी एस इज इक्वल्स टू ई पी एम हमें बार बार देखने को मिलेगा और ये बन गया रूट टू टाइम्स ऑफ पी एम पी पी एम यानी इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस वो भी हमें आता है बताइए क्या बनेगा modulus ऑफ थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर यही होगा अब दिख रहे हैं एक साथ इस हां एक तब स्क्वायर रूट है तो लोकस की एग्जैक्ट एक इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्क्वायरिंग माइनस दिए हैं चलिए यहां मैंने गलती लिख दिया माइनस फोर वन ठीक है अब देखिए यहां पर इसको हमें स्क्वायर करके सॉल्व करना पड़ेगा तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो ये बन रहा है फाइव तो का स्क्वायर हाँ 25 4x 2y 5, बनेगा अंदर का स्क्वायर टू हो गया और इसका स्क्वायर नाइन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस ऑफ ट्वेंटी फोर एक्स वाई इसी तरह से प्लस सिक्स एक्स माइनस ऑफ एट वाई ठीक अब पूरी इक्वेशन यदि हम सॉल्व करें तो हमारे हाथ में जो फाइनल कोनिक का इक्वेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है देखिए ट्वेंटी फाइव एक्स स्क् माइनस ऑफ एटीन एक्स स्क्वायर फिर ट्वेंटी फाइव वाई स्क्वायर माइनस ऑफ थर्टी टू वाई स्क्वायर तो ट्वेंटी टू यानी माइनस सेवन वाई स्क्वायर इसी तरह तो से यदि एक्स वाई के टेम को देखें तो प्लस में फोर्टी एट एक्स वाई इसी तरह से यहाँ पे दिख रहा है हंड्रेड तो एक्स और तो यहाँ दिख रहा है आपको तो सिर्फ और सिर्फ ट्वेल्व एक्स तो हंड्रेड माइनस ट्वेल्व यानी एटी एट प्लस एटी एट एक्स यहाँ पे माइनस ऑफ फिफ्टी वाई दिख रहा है और यहाँ पे आपको माइनस ऑफ सिक्सटीन वाई दिख रहा है तो फिफ्टी सिक्सटीन आपको दिख रहा है कि भैया यहाँ पे माइनस ऑफ फोर्टी फोर वाई लास्ट कॉन्स्टेंट की बात करें तो बच्चे यहाँ पे 125 ट्वेंटी और यहाँ पे 2 है तो फाइनल इक्वेशन आया याद सर्कल जब पढ़ा था तो कैसे पढ़ा था किस एक क्वेश्चन दिया था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने वहां सर्कल की इक्वेशन निकाल ली थी x माइनस एल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर सिंप्लीफाई किया एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ टू एल्फा एक्स माइनस ऑफ टू बीटा वाई और इसी तरह से प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो फिर इसे सर्कल की जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो से कंपेयर किया और कंपेयर करके हमने क्या रिजल्ट निकाल लिया कि यार हमारे पास सेंटर और रेडियस है तो जितनी आसानी से हम सर्कल की इक्वेशन निकाल पाए उतनी ही आसानी से यदि हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है तो हमने सेंटर और रेडियस निकाल लिए थे क्या कि भैया सेंटर आ गया था माइनस जी कॉमा माइनस एफ और रेडियस हमारे पास जो आई थी वो क्या आ गई थी वो आ गई थी स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी नहीं आ गया था तो सेंटर और रेडियस आपको दिए हैं उतनी ही आसानी से सर्कल निकल गया और साथ ही साथ सर्कल दिया है तो उतनी ही आसानी से सेंटर और रेडियस मिल जाते हैं अब आप सोचो उल्टा सोचते हैं यहां मैंने आपको फोकस दे दिया दे दी और एसेंट्रिसिटी दे दी हमने कॉनिक की इक्वेशन तो आसानी से निकाल ली पी एस इज टू पी एम अब आप सोचो मैं आपको कॉनिक की इक्वेशन दू और आपसे कहूं कि आप मुझे इसका फोकस बता दो इसकी डायरेक्ट्रिक्स लाइन बता दो और इसकी एसेंटिसिटी बता दो लिमिटेड टाइम में तो पॉसिबल नहीं है कर तो सकते हैं अरेंज ही तो करना है रिवर्स डायरेक्शन में लेकिन आप सोचो ये रिवर्स डायरेक्शन में अरेंज हमें दिख रहा है अभी तो लेकिन यदि ये क्वेश्चन दिया जाता और ये पूछा जाता तो हमें कुछ नहीं दिखता और हम लिमिटेड टाइम में तो कम से कम नहीं कर सकते थे क्यों क्योंकि हमें दिख रहा है एक्स स्क्वायर के टर्म का कॉन्ट्रीब्यूशन दोनों तरफ से है स्क्वायर के टर्म का कॉन्ट्रीब्यूशन दोनों तरफ से है एक्स के टर्म भी दोनों तरफ से आ रहे हैं वाई के भी दोनों तरफ से आ रहे हैं कॉन्स्टेंट भी दोनों तरफ से आ रहे हैं सिर्फ एक अकेला एक्स वाई का टर्म है जो यहां से आ रहा है लेकिन उस एक्स वाई के कोफिशियंट में रोल किस किस का है एक्स का वाई का कोफिशियन साथ ही साथ एसेंट्रिसिटी इन सब का रोल है तो लिमिटेड टाइम में आप कॉनिक की इक्वेशन से उसके पैरामीटर्स फोकस डायरेक्ट्रिक्स और एसेंट्रिसिटी नहीं निकाल सकते जबकि सर्कल में ही हम आसानी से कर पाए और इसी का फायदा हुआ था कि आप कैसे भी सर्कल की इक्वेशन दे दो हम आसानी से उसका सारा काम कर लेते थे हमें हर क्वेश्चन में एक तरह से अलग अलग सर्कल दिया जाता था यहां अब मजेदार चीज यह है कि ये जो यहां इस पूरे कोनिक की इक्वेशन की खासियत है कि इससे आसानी से आप इसके डायरेक्ट्रिक्स लाइन इसके फोकस को और इसके एसेंट्रिस असे को कंक्लूड नहीं कर सकते यह हमारे लिए फायदे का सौदा है फायदे का सौदा क्या है एक तो इससे का क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं वो ये यूज ही नहीं करेगा इक्वेशन वो क्या करेगा आपसे उसको क्या मैंने क्या बताया क्या, बनाया कैसे क्वेश्चन आएंगे ज्योमेट्रिकल नेचर प्रूव करने वाले ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी प्रूव करने वाले तो आप सोचो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी आप किसी जैसे मान लो कोई आपका मैं, मैंने आपको सर्कल दिया थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ टू वाई प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो कह रहा हूं इस सर्कल में आपको इसकी कोई ज्योमेट्रिकल नेचर प्रूव करनी है कि सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाला कॉर्ड विल गेट बाई ये इसमें प्रूव करें या इसमें प्रूव करें क्या डिफरेंस है क्या कुछ इसमें प्रूव करें या इसमें प्रूव करें एक ही तो बात है भाई है क्या यही तो सर्कल है उठा के बस क्या है कहीं और रखा हुआ है भाई मैं ज्यादा से ज्यादा क्या करूंगा रेडियस इसके बराबर बना दूंगा यहां मैंने रेडियस को छोड़ लिया है चलो कोई बात नहीं हमने इसका रेडियस वही ले लिया जो यहां है तो अब है क्या इन दोनों सर्कल में डिफरेंस ये ओरिजिन पे सेंटर मानते हुए रखा हुआ है इसी को उठा के यदि हम वन कॉमा जैसे यहां पे थ्री भी आएगा तो क्या आ जाएगा इस तरह से यदि हम देखें तो वन बाय सिक्स कॉमा वन बाय थ्री वाले पॉइंट पर उठा के इस सर्कल को रख दो तो बात तो एक ही है और सर्कल को मैं यहां रखू यहां रखू यहां रख दूं उसकी ज्योमेट्रिकल नेचर बदलेगी क्या उस पर बाहर से दो ही टेंजेंट बनेगी चाहे कहीं भी हो दो दोनों टेंजेंट इक्वल लेंथ की होंगी चाहे कहीं भी हो सर्कल होगा नहीं होगा यानी जो भी उसकी ज्योमेट्रिकल नेचर है वो उसकी शिफ्टिंग से चेंज नहीं होगी शिफ्टिंग क्या है इक्वेशन बदलना शिफ्टिंग क्या है इक्वेशन बदलना यानी इक्वेशन बदलने से किसी भी कर्व की ज्योमेट्रिकल नेचर चेंज नहीं होती सिर्फ सर्कल की नहीं होती है किसी भी कर्व की नहीं होगी किसी भी कर्व की नहीं होगी यदि आपका कोई भी कोई भी कर्व आपको दे दिएगा उसकी कोई ज्योमेट्रिकल नेचर है अब उसको उठा के कहीं और रख दो उसकी ज्योमेट्रिकल नेचर थोड़ी ना बदलेगी इक्वेशन बदलने से ज्योमेट्रिकल नेचर नहीं बदलती तो जब हमें पता है हमने बात कर ली कि भैया इस पूरे सेगमेंट के अंदर कोनिक सेक्शन में हमारे क्वेश्चन का फ्लेवर क्या होगा मैक्सिमम केस में हमें ज्योमेट्रिकल नेचर प्रूव करने वाले क्वेश्चन मिलेंगे तो फिर हम इस गंदे से पे करें या एक बहुत सिंपल पे कर लें बात एक ही है एक बहुत ही गंदी सी इक्वेशन पे करें या इस पे करें बात एक ही है तो इसका चॉइस है हमारे पास और चॉइस है तो हम इसको उठाएंगे उठाएंगे या इसको नीचे वाले को यही फायदा है इस चैप्टर पूरे सेगमेंट का आप पैराबोला के क्वेश्चन उठा के देखो 99.9 परसेंट क्वेश्चन जो हैं वो वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स के हैं इलिप्स के क्वेश्चन उठा के देखो ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट एक्स स्क्सर टू वन पर है अब हमें समझ में आ गया ना किनिक की इक्वेशन में किस किस तरह के टर्म हो सकते हैं एक्स स्क्वायर का हो सकता है वाई स्क्वायर का हो सकता है एक्स इंटू वाई का हो सकता है एक्स वाई और कॉन्स्टेंट वाले टर्म भी हो सकते हैं लेकिन हम जो पैराबोला देख रहे हैं अब तक वाई स्क्वायर टू फोर एक्स उसमें सारे टर्म थोड़े ना हैं हम जो एलिप्स जानते हैं ए प्लस बी वर। उसमें सारे टर्म थोड़े ना दिखते हैं क्यों जरूरत ही नहीं है क्यों बिना मतलब जो है अपना अपना ही काम उलझाने वाला बनाए तो ये एक बहुत ही सटीक एग्जाम्पल है इस बात का कि यहां पर हमें क्वेश्चन की जो प्रोफाइल मिलने वाली है वो बिल्कुल अलग है वो वैसे नहीं मिलेंगे उस सर्कल में क्यों क्योंकि हमें सर्कल में पता था कैसी भी इक्वेशन दे दी जाए हम उसका सारा पाछा एक ही झटके में कर लेते हैं एक ही झटके में उसका रेडियस आया था एक ही झटके में क्या आया था सेंटर आया था है। एक ही झटके में आप सारी चीजें निकाल के दे सकते हो आपको कोई कुछ भी दे लेकिन यहां पर आसान नहीं है क्योंकि अभी तो ये कोनिक है कोनिक इन द सेंस सर्कल स्ट्रेट लाइन पे स्ट्रेट लाइन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन को छोड़ के वो भी हो सकता है उन्हीं को तो लेकिन हमें दिख रहा है सर्कल नहीं है क्यों कैसे पता चला सर्कल नहीं है सर्कल में हमें पता है कि एक्स एस स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोपिशन क्या होते हैं इक्वल होते हैं और एक्स इन टू वाई करते हैं नहीं होता यहाँ दिख रहा है तो उसका ये सर्कल तो नहीं है पेर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी नहीं है ये तो ठीक है तो भैया इसका मतलब ये पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला में से कोई है तो पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला में अब हम इस इक्वेशन में डील करें या इन इक्वेशन में डील करें ज्यादा आसान दिखता है कि कुछ स्टैंडर्ड पैराबोला स्टैंडर्ड एलिप्स हाइपरबोला की बात करें सारा चैप्टर उसी पे पढ़ लें यही हमारे लिए हाँ भलाई है और हम इसी में काम करने वाले हैं ठीक है तो यहां हम बहुत ज्यादा उलझन वाली चीजों के साथ डील नहीं करने वाले हैं। क्योंकि हम देखेंगे कि वो जो ज्योमेट्रिकल नेचर प्रूव करने वाला क्वेश्चन इस इक्वेशन पे है ना उसमें भी अच्छा खासा काम होगा यदि इक्वेशन भी बदल देंगे तो और खतरनाक हो जाएगा तो ध्यान रखना है कि यहां हम स्टैंडर्ड कर्व्स के साथ डील करने वाले हैं अब बात आती है कि जनरल इक्वेशन जैसे हमने सर्कल की इक्वेशन निकाल कर डिसाइड किया कि सर्कल का जनरल इक्वेशन कैसा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो तो अब कॉनिक की इक्वेशन हम निकाल चुके हैं